बोल दो ना जी। मंत्री जी आ गए। अच्छा आप जैसे सीनियर आदमी आते हैं तो संभल मिलता है ना। हाँ कट कट या भाई नमस्कार। आज आपको इसलिए तकलीफ दी गई है कि जो बहुप्रतीक्षित रीट भर्ती हमारी सरकार करने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष के जलसे के अंदर जो 25 अप्रैल को रीट की भर्ती कराने की बात कही थी, उसमें पिछली 2017 को जो रीट हुई थी उसमें काफी कुछ बातें ऐसी थी जो लोगों ने आकर के बताया था कि इसमें इस तरह की दिक्कत है, राजस्थान के लोगों को कम महत्व मिलता है, कई डिमांड्स थी जो रीट परीक्षा देने वालों की उसको देखा गया, कई जो वीकर सेक्शन हैं उन्होंने ये कहा था कि साहब इसमें हमारी दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों को समाहित करते हुए हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदया ने और सभी अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की और माननीय मुख्यमंत्री जी तक काफ़ी दफा चर्चा हुई, उसके बाद में आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो नोडल एजेंसी है रीट भर्ती कराने की उसको जो विज्ञप्ति भिजवा रहे हैं उसमें जो प्रमुख संशोधन पिछली रीट के बजाय किए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी के माध्यम से। 2017 में जो रीट कराई थी पिछली सरकार ने उसमें सबके लिए रीट की न्यूनतम अंक 60% था, केवल एससी एसटी के लिए 36% था, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी लोगों की मांगों को देखते हुए जो और वीकर सेक्शन है उनके अंदर जो न्यूनतम 60% है उसके अंदर छूट दी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति में जो नॉन डीएसपी है उसमें पहले 60% थी, अब उसको 55 किया गया है, और जो टीएसपी हो चाहे 2017 हो अब वो जो न्यूनतम एससी का जो है वो 36% था उसको 36% रखा। दूसरा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी श्रेणियों में पिछली 2017 की रीट में 60% था जिसको 5% की रियायत देकर 55% किया गया है। समस्त श्रेणी विधवा परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक इनके लिए भी 60% था पिछली भर्ती में, हमने इसमें 10% की रियायत दी है, 50% न्यूनतम अंक हमने माने हैं। और दिव्यांग निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति इसमें भी 60% था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में भी लोग पिछले समय जो सिलेक्ट बच्चे गए और हाईकोर्ट ने भी इसको 40% तक अलाउ किया था तो हमने उसको हाईकोर्ट के निर्णय को और लोगों की डिमांड्स को देखते हुए इसमें भी 40% न्यूनतम हमने करने का फैसला किया। दूसरा शहरिया जनजाति के लिए बहुत कम पात्र व्यक्ति मिलते हैं, तो पहले 60% ही था लेकिन इसमें शहरिया जनजाति शहरिया क्षेत्र के लिए हमने 36% किया है। दूसरा जो एक मुद्दा रहता था कि जो 50% अंक न्यूनतम जो स्नातक है तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं, एनसीटी की जो 13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है स्नातकोत्तर में कितने भी हैं तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था, अब उसमें कर दिया गया, दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। दूसरा जो न्यूनतम अंकों का था बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो 12वीं में या जो बीए में उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और
ये जो हमारा दूसरे जो दोनों एमबीसी है उसमें भी उसको शामिल करते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था, अब हमने इसको सोशल स्टडी L2 जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति तो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था जो पहले रूल थे उसमें 30% अकेडमिक के थे और 70% रीट के थे, तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज़्यादा आने चाहिए जिनकी बहुत बड़ी मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था जिससे काफी ये शिकायतें आई थी और काफी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आ गए थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिले इसके लिए भी हमने किया। एक जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था तो इसमें जो NCT की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को जहां जहां हमारी पुस्तकों में राजस्थान है वहां पर राजस्थान को सबसे ज्यादा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति संस्कृति आदि चीजों को हमने भूगोल इतिहास कला संस्कृति सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या एक दो दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटी चीज है एक बात कंफ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। NCT की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है और बीएड के बच्चों को चूंकि फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में सब में मौका मिलता है तो BSTC के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए BSTC के बच्चों का वो जो DLED जिसको बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा है और बीएड वालों का भी ध्यान रखा है। तो L1 है उसमें केवल DLED यानी BSTC के बच्चे आएंगे और L2 में बीएड वाले बच्चे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मैं इस मौके पर मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब बोर्ड से फाइल आई कि साहब डेढ़ या दुगुनी के लगभग उन्होंने फीस कर ली थी तो इनका ये सुझाव था कि मंत्री महोदय हमको कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए और इस फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया है कि 2017 में जो रीट में जो बच्चों के लिए परीक्षा शुल्क था रीट देने का वही शुल्क हमने रखा है उसमें 1 पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। बाकी बोर्ड का जो टेंटेटिव कार्यक्रम है वो कल आ जाएगा वो अपने हिसाब से करेंगे लेकिन जो हमारे पास में आया है लगभग 11 जनवरी से जो ऑनलाइन आवेदन इनके लेने का उनका टेंटेटिव है इसमें परिवर्तन हो भी सकता है वो बोर्ड का काम है लेकिन जो मोटा मोटी मेरे पास में आया है उसके हिसाब से हम लोग 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे और फिर चालान और जमा कराने की वो भी 4 फरवरी तक की है और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की 14/4 डेट रखी है उन्होंने टेंटेटिव और प्रथम 6 से 8 10 से 12.5 परीक्षा का समय और वो जो 1 से 5 कक्षा का है वो 2.5 से 5 इस तरीके से 25 अप्रैल की एग्जाम है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बताया ये बोर्ड अपने हिसाब से आवेदन लेने का
घटा सकता है बढ़ा सकता है, वो उनके उसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। हम केवल ये जो छूट दे रहे हैं या हमने जो नए निर्णय किए हैं, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार उनकी रीट देने वालों की जो मोटी मोटी समस्याएं थी उनको काफी जद्दोजहद के बाद में काफी विचार विमर्श करके पूरी तरीके से एनसीसी की गाइडलाइन के हिसाब से हमने इसको दुरुस्त किया है। जो मोटा फैसला किया गया है वो मोटा फैसला राजस्थान के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले इसके लिए राजस्थान का जो हमारी पुस्तकों में पाठ्यक्रम में है सामग्री उसमें से जो सिलेबस है उसका निर्माण किया गया है और जो 10 और 90 का जो वेटेज है वो वेटेज हमें आगे सिलेक्शन में ये मोटा मोटी जो आज हम भेज रहे हैं वो आज कल निकालें परसों निकालें वो उनके ऊपर है, जब भी विज्ञप्ति नहीं होगी उसके बाद में लोगों को मौका। बिल्कुल राज्य सरकार ने अंतिम फैसला कर लिया है क्योंकि ये राज्य सरकार पर छोड़ा गया था। और दूसरी चीज ब्रिज क्रॉस की जो आवश्यक शर्त थी, अगर हम इसको अगर एल बंद में बीएड वालों को शामिल करते तो एनसीटी से कब उस ब्रिज क्रॉस की मान्यता मिलेगी, राज्य सरकार के पास क्या संसाधन होंगे क्या नहीं होंगे। दूसरी चीज फिर अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा, उसको हम परमानेंट कर नहीं सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो कई तरह की कॉम्प्लिकेसी बढ़ने की संभावना ही थी। और दूसरी अन्य स्टेट्स का भी हमने किया है तो कई जगह कोर्ट केसेज में है, बिहार में हुआ है और हुआ, तो वहाँ एनसीटी ने जो अपनी उत्तर रिप्लाई दिया है कोर्टों में वो भी उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का निर्णय है। तो एल वन में केवल बीएसटीसी वालों को मिलेगा और बाकी सभी एग्जाम्स में बीएड वालों को मिलता ही। अगर 90-10 केवल एल टू में ही लागू रहेगा या एल वन में भी होगा? नहीं, ये सिलेक्शन एल टू में, एल वन में तो जो मेरिट बन जाएगी वो मेरिट जो पहले की तरह है उसमें कोई किसी तरह का कोई इश्यू नहीं। एल टू में ही केवल ये 70-30 का था जिसको 90-10। और वो ये सिलेबस इस विज्ञप्ति का हिस्सा होगा, वो बाकायदा बोर्ड की वेबसाइट पे होगा, बच्चों को अच्छी तरह से दिखेगा और जो सिलेबस होगा उसके मुताबिक प्रश्न पत्र बनाने वाली जो भी गोपनीय जो शाखा होगी वो जो एक्सपर्ट होंगे वो। सर विज्ञप्ति कब तक जारी होगी? विज्ञप्ति हम आज भेज देंगे, आज रात को भी हो सकती है और कल भी हो सकती है, आप तो लेट रात तक जगना। सर रीड 2016 वालों की भी एक बहुत बड़ी मांग है, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने फैसला दिया वेटिंग सूची जारी करने के लिए, तो ये इसका कब तक क्या टेंटेटिव? देखिए 2018 का तो हमने निर्णय कर लिया L1 और L2 दोनों का वेटिंग सूची जारी कर दिया, लेकिन चूंकि कई तरह के ऐसे प्रकरण हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट का है तो कई हाई कोर्ट में हैं, कई सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिला हुआ है, तो इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ में बैठ करके और जो यथासंभव सरकार के बस में होगा जो कर सकती है सरकार नियमों में रहते हुए वो करें। सर यही उनकी समस्या की 2018 वालों को तो करके लेकिन 16 वालों को नहीं किया और SLP भी जो सरकार वापस नहीं ले रही है, इसको एग्जामिन करवाएंगे, इसको मंथन मनन चल रहा है और इसको एग्जामिन करवाएंगे कि हमारी क्या लीगल पोजीशन है, क्योंकि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में जब स्टे हो जाता है वहाँ पर प्राइमा फेसी तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैंने मुख्यमंत्री जी से कल परसों बात की है इसके बारे में, मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया था कि हम लोग ऐसी भर्तियों को कोर्टों से निकालने के लिए भी कोई गंभीर प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें आगे चल करके कोई रास्ता निकले। मुझे जो लग रहा है कि अब कोरोना कम हो रहा है तो सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रही है, काफी स्टेट्स का अध्ययन किया गया और जो केंद्र की SOP है उसको भी देखा गया। स्कूल खोलने का मतलब है स्कूल भी खुलेंगी, कॉलेज भी खुलेंगी, तो कोचिंग भी खुलेंगी, तो इसका सारा प्रभाव देखना पड़ेगा कि कितना क्या कोरोना का प्रभाव रहता है, लेकिन अब मान के चलिए कि 14-15 तक कोई ना कोई अंतिम फैसला हो। थैंक यू।